कल मैंने आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करा दी थी, आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग करेंगे। और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें पक्षपात होने की संभावना होती है। प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्रोबेबिलिटी में किसी का भी नंबर आ सकता है और नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर पक्षपात होने की संभावना होती है। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया था पेपर में, कि क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के पूछा गया कि निम्न में से कौन सी सैंपलिंग पक्षपात विहीन है, मतलब कि जो निष्पक्ष है। तो निष्पक्ष है मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी की होगी तो वो निष्पक्ष है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी सैंपलिंग में पक्षपात होता है, तो जो जो भी नॉन प्रोबेबिलिटी की होगी उसको आप कलेक्ट करेक्ट कर देंगे। तो एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और प्रोबेबिलिटी में नंबर आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है और नॉन प्रोबेबिलिटी में सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। तो ये सबसे बड़ा अंतर हो गया दोनों में। एक मैं डिजिट से समझा देता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि डायबिटीज के इंडिया में लगभग 5 करोड़ केसेज हैं, ठीक है, समझिए थोड़ा। अब मेरे जो प्रोबेबिलिटी मेथड है, जो निष्पक्षता को चुन रहा है, तो उसके पास ऑफर है कि वो 5 करोड़ में से किसी का भी सैंपलिंग कर सकता है। कौन करेगा? प्रोबेबिलिटी वाला। उसके पास मौके हैं बहुत सारे, किसी को भी ले सकता है वो। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में अब वो, क्योंकि उसके पास मौके कम है, वो पक्षपात करेगा ना कि मेरा हॉस्पिटल है, मैं तो इसी हॉस्पिटल का ही सिलेक्शन लूंगा, इसके बाहर का मैं नहीं लूंगा, मेरा अपना स्कूल है, मैं इसी स्कूल की सैंपलिंग करूंगा, ये कुछ भी जो हो सकता है। मतलब कि नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर मौके कम होते हैं। एक और मैं सामान्य उदाहरण से, थोड़ा मजाक वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। मान लेते हैं कि अपने कुंदन भैया को अपने लिए लड़की ढूंढनी है और उस लड़की की क्वालिटी इन्होंने सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कुंदन जी का कास्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन अब कुंदन जी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन और इनके लिए लड़की का चुनाव किया जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि हर कास्ट की चलेगी, तो बताइए ये कौन सी सैंपलिंग होगी जहां पे हर कास्ट के चलेगी? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी, वेरी गुड। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में किसी का भी नंबर आ सकता है, समझ रहे हो? ब्राह्मण भी हो सकती है, जाट भी हो सकती है, गुजर भी हो सकती है, जैनी भी हो सकती है, पाकिस्तान के भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, किसी का भी नंबर आ सकता है। अब यहाँ पे इनके घर वालों ने कंडीशन लगा दिया, भैया हमें तो कास्ट वाले ही चाहिए, ये कंडीशन रख दिया ना, तो ये कौन सा है? नॉन प्रोबेबिलिटी। नॉन प्रोबेबिलिटी। अब इस कंडीशन में भी ये रख दे भी योगा वाले ही चाहिए, अब और डाटा कम हो गया ना, बताइए ये को और अंदर चले गए हम, समझ पा रहे हो आप सभी? अब क्लस्टर होते जा रहे हैं, जहां इनके पास 5 करोड़ ऑफर थे प्रोबेबिलिटी के अंदर कि हर कास्ट का लड़की इनसे शादी कर सकती है, अब इनकी मर्जी है कि किसी का भी चुनाव कर ले 5 करोड़ में से। अब कास्ट आते ही 5 करोड़ में से सीधा 1 लाख पे आ गए, भैया कास्ट वाले ही चाहिए। अब उस 1 लाख में भी कंडीशन डाल दिया योगा वाले ही चाहिए, 1 लाख में से 10,000 पे आ गए। अब 10,000 में और क्या पता क्या क्या कंडीशन डालेंगे, वो 1,000, 500, 100, 10, 20 एक तो रहेगी, क्योंकि एक का तो चुनाव होना है ना, एक तो आएगी बहुत अच्छी वाली आएगी। तो आप समझ रहे हो मतलब कि ऑफर कम होते जा रहे हैं, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी में है। और रिजल्ट ज्यादा, अगर मैं इसी की बात करूं कि अब आप मुझे बताएंगे कि ज्यादा बेहतर टाइप की लड़की आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी में है या नॉन प्रोबेबिलिटी में है, बताएं? नॉन प्रोबेबिलिटी में सर।
हाँ मयंक जी क्यों बताइए। सर नॉन प्रोबेबिलिटी में इसलिए होगा सर क्योंकि इसमें हम अपने अपने हिसाब से जो भी देखते हैं हम उसमें कि हमको किस ग्रुप से लेना है, किनको लेना है, किनके ऊपर करना है, सब हमारे ऊपर निर्भर करता है वो सब। इसमें रैंडमली हम रिसर्च नहीं करेंगे इसलिए। सर इसमें रेंज बढ़ जाएगी, ज्यादा ऑप्शन रहेंगे। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी है क्योंकि उसमें ना हम लोगों को ना ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे और लंबे उसमें हम काफी चीजें देख पाएंगे। वेरी गुड, सर मैंने जैसे दिल सर बात कर जैसे लिया। अभी एग्जांपल दिया वो कुंदन भैया की शादी वाला, सर अगर वो प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग करते हैं तब तो सर शायद खुश रहे या ना रहे, मतलब एक संभावना नहीं है। अरे और अगर परंपरागत आदमी कहाँ पे जी रहे हो। देखिए दोबारा से समझा रहा हूँ मैं, कुंदन जी की कंडीशन है कि योगा वाले मिले हमें और वो पास की नहीं मिली, कोई दूसरी मिल रही है इनको अपने विचारों वाली। वो काश के चक्कर में विचारों वाली नहीं मिल रही है, जबरदस्ती दूसरी के साथ इनकी शादी हो गई है। तो क्या रिजल्ट अच्छा आया? नहीं आया ना, समझ रहे हो। प्रोबेबिलिटी में हमारे पास मौके बहुत हैं, हमारी मर्जी किसी को भी सिलेक्ट करें। अब नॉन प्रोबेबिलिटी में कंडीशंस डाल दिया गया, काश की कंडीशन डाल दिया, एज की कंडीशन डाल दिया, है ना। तो इसलिए फिर जो सिलेक्ट करने के ऑफर कम हो गए, ऑफर कम हो गए तो क्या पता अच्छी पर्सनैलिटी वाली लड़की बाहर निकल जाए इनके उससे, तो कम आएगा ना निष्कर्ष, समझ रहे हो। मैंग जी नॉन प्रोबेबिलिटी आपने बोला था, जी सर तो प्रोबेबिलिटी होगा सर इसका। ज्यादा अच्छा प्रोबेबिलिटी में रहेगा क्योंकि वहां पे मौके बहुत ज्यादा है हमारे पास में, और ज्यादा में से एक का सिलेक्ट करना वो कुंदन जी की मर्जी है। अब इनको घर वालों ने छूट दे दिया तो कुंदन जी खुले सांड की तरह किसी को भी हाथ लगा देंगे, और नहीं तो फिर बंदिश में पेरेंट्स ने जो बोल दिया उसी को हाँ करेंगे। ठीक है, तो जब अपने आप से दिल से चुनाव करेंगे उसी में तो एक्चुअल में खुश रह सकते हैं। हाँ पेरेंट्स के रिस्पेक्ट है वो बात अलग है, लेकिन एक्चुअलिटी तो एक्चुअलिटी ही रहेगी, उसको कोई बदल नहीं सकता। तो ये है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, इसको हिंदी में कहते हैं असंभावित प्रतिचयन। मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम है, कंडीशंस डाल दी गई हैं कि ऐसा प्रतिचयन, मतलब कि ऐसा जो सैम्पलिंग मेथड है जिसमें टोटल पॉपुलेशन के प्रत्येक सदस्य के चुने जाने की एक समान संभावना नहीं होती, यानी कि उसमें पक्षपात होगा है, और अपने इच्छा अनुसार जो एग्जामिनर होगा, जो रिसर्चर होगा, वो किसी का भी सैंपल ले लेगा। जैसे अक्सर यूनिवर्सिटीज में होता है फीडबैक के टाइम, यूनिवर्सिटीज में होता है ना, जब बाहर से आ गई भैया उसकी एनटीए की टीम, हाँ यूजीसी की टीम सर्वे लेने के लिए, यूनिवर्सिटी का फीडबैक दीजिए, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। तो टीचर्स बच्चों को बोलते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी की अच्छी रैंकिंग देना, कई टीचर बोलते हैं कि मेरी अच्छी रैंकिंग देना, तो वो पक्षपात हो गया ना। और बिना बात करे किसी का भी मौका आ जाए तो वो प्रोबेबिलिटी में आ जाएगा। यानी कि इसमें अब टीचर ने बोल दिया कि रोल नंबर वन राहुल से पूछो क्लास कैसी होती है। अब पर्टिकुलर टीचर को पता है भैया राहुल तो उनका दोस्त है, वो तो उसके अगेंस्ट बोल ही नहीं सकता, तो कह कहेगा अरे सर तो बड़े अच्छे हैं, रेगुलर क्लास में आते हैं, रेगुलर क्लास होती है, बहुत अच्छे नोट्स हमें देते हैं। तो एक्चुअल फीडबैक तो नहीं आया ना। एक्चुअल फीडबैक क्या होगा कि जो हमारे वीसी हैं, जो हमारे एचओडी है, जो भी फीडबैक लेने आया है वो बिना किसी रेंडमली किसी को भी चुनाव करें, और रेंडमली उनसे उनका डर दूर करके फिर उनसे उनके दिल की बात पूछे। एक्चुअल तो वो होगा ना, वो होगा प्रोबेबिलिटी के अंदर, क्योंकि उसमें किसी का भी नंबर आ सकता है। और नॉन प्रोबेबिलिटी में टीचर लोग जो होते हैं अपने अपने जो उनके शुभचिंतक बच्चे होंगे उनको आगे कर देते हैं, तो अपने आप ही फिर टीचरों को बोलते हैं टीचर तो बड़ा अच्छा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पक्षपात होता है। जैसे मैं अपनी कक्षा की बात करता हूँ, अगर मैं पक्षपात करने की बात ही आऊं तो कि राहुल तो उन लोगों का चुनाव करेगा जो राहुल के क्लासमेट्स हैं, तो ये अगर मैं अपने क्लासमेट्स को जो मेरे साथ पढ़ते हैं, जो मेरे दोस्त हैं, अगर मैं उनका ज्यादा पक्ष लेता हूं तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड हो गया।
लेकिन अगर मैं आप पूरी कक्षा सामने बैठी हैं, किसी का भी कभी भी नंबर आने की आप सबको लगता है कि किसी का भी नंबर आ सकता है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है जी। अब इसकी बहुत सारी मेथड्स हैं, जैसे कि कोटा सैंपलिंग, एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल सैंपलिंग, परपसिव सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग, सैचुरेशन सैंपलिंग, डेंस सैंपलिंग और डायमेंशनल सैंपलिंग। ये विशेष विशेष सैंपलिंग मैंने ले लिया है, इसके अलावा भी और होती हैं, लेकिन ये मेन है, हमारे पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा तो इनके नेम जरूरी हैं, क्योंकि दो तीन क्वेश्चन तो मैंने खाली नेम के ही देखे हैं पेपर में, सीधा बोल देगा कि निम्न में से नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या फिर नहीं है, पहचान करो। तो ये सारे जब आपको याद होंगे ना, तभी तो आप नहीं को या जो है उनको सिलेक्शन कर पाओगे, तो इसलिए ये आप सभी को याद होनी चाहिए। अब इनके अंदर क्या क्या है अंदर हम देखते हैं। कोटा प्रतिच्छेद सैंपलिंग, अब मैं एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको और पिक्चर में से आप लोग अपना अनुमान लगाना, ठीक है। मैं आपको मौका देता हूँ, मुझे बताएंगे हमारे कौन बताए, अंशुमान जी, ठीक है। अंशुमान जी आप पिक्चर देखिए और अनुमान आधार पे बताइए कि इसमें क्या चीज है जो आपको बता रही है कि ये कोटा सैंपलिंग में क्या दिख रहा है आपको। आंसर मैंने बंद कर दिया, आप बताइए सर। हाँ, आपको क्या दिख रहा है कि ये कोटा है, कोई विशेष दिख रही है सैंपल के अंदर, ये सैंपल चुना गया और ये टोटल पॉपुलेशन है, इस सैंपल में क्या विशेषता आपको दिखाई दे रही है। सर थोड़ा साउंड पोल्यूशन है अभी, इसका आंसर अभी नहीं दे पा। कोई बात नहीं, कुंदन जी आप हमें बताइए, ये जो सैंपल लिया गया है चार लोगों का, इस सैंपल में क्या विशेषता है, इस पॉपुलेशन में से खाली यही सैंपल क्यों लिया गया। मेरे को तो एक ही चीज दिख रहा है, सारे गंजे हैं। अरे वाह जी वाह, क्या आपकी पकड़ है, वेरी गुड। अब थोड़ा अपनी दृष्टिकोण को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, थोड़ा और अनुमान लगाइए, गंजे कौन होते हैं, जो वृद्ध हैं, इसमें ओल्ड एज है, ओल्ड एज। वेरी गुड। तो यहाँ पे एक कोटा निर्धारित कर दिया बुजुर्ग लोगों का, मैंने आंसर छिपा दिया था, आपने देखा ये रहा पेन के साथ आंसर था, मैंने छिपा दिया था आंसर, अभी आपको दिख रहा होगा मेल, वो भी मेल ही है, ध्यान दीजिए, कोटा रख दिया ना, वुमेन को छोड़ दिया गया, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मेल को लिया गया, मेल, और वो भी अबो 50 लिया गया। तो आपने गंजा बिल्कुल सही, आपका चुनाव बिल्कुल सही था कि गंजे यानी कि बुजुर्ग लोग हैं और वो भी सारे के सारे मेल हैं, तो मतलब कि कोटा निर्धारित कर दिया। जैसे अक्सर नौकरी के टाइम करते हैं ना, कि अपने यूजीसी एग्जाम में भी तो होता है कोटा, जनरल का तो कुछ भी नहीं है कोटा, बीसी वालों का कोटा, एससी वालों का कोटा, अब वो फ्री हो गए, उनको पता है कि एससी वालों की इतनी सीट मिलेंगी मिलेंगी और कम नंबर में मिलेगी, तो मतलब कि कोई चीज रिजर्व कर देना ऐसी जो है कि उनका नंबर तो आएगा ही आएगा। अब वो श्योर है कि भैया कुछ भी हो जाओ, दुनिया ऊपर से नीचे हो जाओ, एससी वाले तो मिलेंगे मिलेंगे, चाहे उनके नंबर कितने ही कम हो, उनको तो जो मिली जाएगी। यहाँ पे सेम वही बात यहाँ पे होती है कि उन व्यक्तियों का चयन तो होगा ही होगा जो एक बार रिजर्व हो गए हैं। इसमें क्या है, इस साधारण भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, रिजर्व सीट के नाम से इसको हम जानते हैं कि ये सीट तो बुक हो चुकी है, चाहे कोई हाईली इंटेलिजेंट पर्सन आ जाए, लेकिन एक बार ये एससी वाले के लिए, ओबीसी वालों के लिए इसका चुनाव हो गया, जनरल वाला कितना ही हाईली इंटेलिजेंट हो उसको सीट नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि वो सीट एससी वाले के लिए रिजर्व है, समझ रहे हो, खाली रह जाएगी वो सीट, लेकिन जिसके लिए रिजर्व है उसी को ही मिलेगी। रेलवे में भी आप देखते हो, जो सीट, एरोप्लेन में भी आप लोग बैठे होंगे, एक सीट बुक हो गई है, रिजर्व हो चुकी है, वो प्लेन खाली चला जाएगा, अगर बाय चांस वो जिसकी सीट थी वो नहीं आया पैसेंजर, वो सीट खाली ही रहेगी, क्यों, क्योंकि वो रिजर्व है। केक
कोटा निर्धारित कर दिया जाता है उसी को कोटा सैंपलिंग कहते हैं। इसमें हम पहले से ही कोटा निर्धारित कर देते हैं कि ये तो महिलाओं की सीट है, ये तो बुजुर्गों की लाइन है, बुजुर्ग लोग पहले खड़े होंगे, जवान लोग अलग खड़े होंगे और उनमें भी लेडीज अलग खड़ी होंगे, लेडीज फर्स्ट, अब जेंट्स खड़े रहो पीछे मुंह लटका के। कोटा तो लड़की लेडीज के लिए है सारा का सारा। तो मतलब कि अब चाहे लेडीज दो लाइन दो लेडी खड़ी हो, ठीक है समझिए, दो लेडी एक लाइन में खड़ी है और दूसरी तरफ 10 आदमी खड़े हुए हैं, ये नहीं देखा जाएगा कि आदमी ज्यादा है तो पहले आदमियों को मिलना चाहिए। नहीं भैया, एक एक जो खिड़की है वो लेडीज के लिए खुली है और एक खिड़की जेंट्स के लिए खुली है, ये दो मिली है, चाहिए अभी आई है और ये चाहिए एक आदमी एक घंटे से खड़ा हो, फिर भी लेडीज को मिल जाएगी सीट पहले। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही कोटा निर्धारित है कि लड़कियों का इनका नंबर पहले आएगा, जो जेंट्स है उनका नंबर बाद में आएगा, समझ रहे हो। ऐसे अगर हमें कोई रिसर्च करनी है, मैंने एग्जांपल दिया है आपको, योग में कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, आपको योगा फॉर ऑल आपका टॉपिक है कि संपूर्ण योग पे स्वास्थ्य के ऊपर योग का प्रभाव। अब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी रिसर्च में जो लेडीज होंगी 30% रखूंगा, यानी कि अगर मैं 100 लोगों के ऊपर रिसर्च कर रहा हूं, मेरे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में 100 लोग हैं तो उन 100 लोग में से 30 लेडीज होंगी, पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया। उसमें बच्चे 70% होंगे या कुछ भी, 50 डाल दो, जेंट्स 20 डाल दो, बुजुर्ग 30 डाल दो, कुछ भी, यानी कि जो हम पहले से डिसाइड करके बैठ गए हैं कि ये तो होगा ही होगा, मैं तो इतना ही लूंगा, समझ रहे हो, पहले ही निर्धारित कर देना, तो ये जो केस है ये कोटा सैंपलिंग के अंतर्गत आएगा। दूसरी जो सैंपलिंग है इसको, इसके कई नाम है, इसको एक्सीडेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं, इंसिडेंटल भी कहते हैं और कन्वेंस सैंपलिंग भी कहते हैं। भैया जो कोटा है ऊपर, ये जो सर्वे होता है मतलब जनगणना होती है, उसमें यूज होता है क्या ये? जनगणना में यूज करेंगे ना, यूज होता है उसमें, सर्वे मेथड होता है, सर्वे होता है, सिंपल सर्वे लगता है और इंपीरियल रिजल्ट आने के बाद में डिसाइड होते हैं ना कितने लेडीज है कितने बच्चे हैं, वो तो बाद में डिसाइड होता है, पहले थोड़ी डिसाइड होता है। हाँ, इंपीरियल रिसर्च में, सर्वे में, जैसे कि यहाँ पे अभी एग्जांपल लिया कि सर्वे में अगर गवर्नमेंट को सर्वे लेना है कि मान लेते हैं कि आपके ग्रामीण इलाके में जो गाँव का काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सर्वे लेना है, और गवर्नमेंट ने कह दिया पहले तो कि जाओ किसी से भी सर्वे ले लो, तो जो उनकी टीम आएगी गवर्नमेंट की, कोई लेडीज मिल जाओ, कोई आदमी, जो भी मिल गया, सिंपल रैंडम मेथड, कोई भी मिल गया, उससे डाटा उठाया और बताया कि उन्होंने अच्छा बता दिया तो अच्छा, बुरा बता दिया तो बुरा। लेकिन अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दिया कि जो आप सर्वे लेंगे उसमें 30% आपको लेडीज से पूछना है, 20% बच्चों से पूछना है, 50% आपको आदमियों से पूछना है और 20% आपको बुजुर्गों से पूछना है। तो अब वो उनकी मजबूरी है कि 20% मजबूर बूढ़े लोगों से ही लेना ही लेना है, अब बूढ़े लोग मिले ना मिले वो विषय अलग है, चाहे उनको कैसे ढूंढना पड़ो, वो सीट रिजर्व कर दी गवर्नमेंट ने कि आपको डाटा 20% बुजुर्ग लोगों का लेना है। तो जहाँ पे पहले से चीज फिक्स कर दी गई कि उतने लोग वहां पे आने ही आने हैं, तो उसको कोटा सैंपलिंग कहते हैं। समझ आया मोहित जी? जी भैया। और आपका इंपीरियल में भैया? इंपीरिकल, इंपीरिकल तो अनुभव जन्य होता है वो तो। अच्छा, तो वो उसमें, ठीक है भैया आगे समझ लीजिए। इंपीरिकल का मतलब ही होता है अनुभव से संबंधित। इंपीरिकल रिसर्च में मैंने पढ़ाया था कि उसमें जो रिसर्चर होता है, रिसर्चर खुद पार्टिसिपेट करता है, खुद का अपना अनुभव के हिसाब से वो फिर आगे जाके सैंपलिंग देता है, वो अलग विषय हो गया थोड़ा। सर आपने बताया था तो फील्ड वर्क होता है, तो वो फील्ड वर्क पे बेस होता है जनरली। फील्ड वर्क, एम्पिरिकल का एक दूसरा नाम फील्ड वर्क भी है, मैंने पढ़ाया था, मेरे नोट्स में भी मैंने मेंशन किया, वहां पे पढ़ लेना एम्पिरिकल रिसर्च में, ठीक है? नहीं, वो मैंने पढ़ा हुआ है भैया, लेकिन मैं पूछा था शायद ये उसमें काम करती हो, इसलिए पूछा था बस मैंने। काम हर जगह करेगी, सारी की सारी सैंपलिंग करेंगी, आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा लेना है।
ओके भैया, थैंक्स भैया। हां जी भैया, समझ गया। कोटा में दिक्कत भी आएगी। अब भैया सिंपल रैंडम मेथड में तो बहुत आसान है, जाओ जल्दी से कोई भी जो भी मिल गया उसी से डाटा ले लो। अब कोटा में अभी टेंशन लो भैया, बुजुर्ग लोग ढूंढो, चलो भैया ढूंढो बुजुर्ग, उन्हीं से फीडबैक लेना है, बाकी उसे नहीं लेना। बच्चों को ढूंढो भैया, बच्चे स्कूल गए हैं, चलो भैया वेट करो, बच्चे आएंगे तब सैंपलिंग लेंगे। कोटा में सिरदर्दी भी है भैया, और अपना फायदा भी है, हर चीज का अपना यूज भी है और अपना नुकसान भी है। ठीक है, एक्सीडेंटल, अब इसके तीनों नाम ही एक ही है, एक्सीडेंटल, इंसिडेंटल और कन्वेंस सैंपलिंग। हिंदी में इसको कहते हैं आकस्मिक, प्रासंगिक या सुविधा अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं आप लोगों से मैं बताना पूछना चाहूंगा, चलिए मोहित जी आप किस चीज पे रिसर्च करना चाहते हो, जल्दी बताओ सभी। ये भैया मेरा उस पे हमारे प्राणायाम पे, जो उसका इफेक्ट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे कैसे पड़ता है। आप प्राणायाम का रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ रिलेशन देखना चाहते हो, ठीक है। तो आपको बता दिया गया, अथॉरिटी दे दी गई, जाओ मोहित जी डाटा इकट्ठा करो, तो आप कहाँ जाओगे बताओ। उसके लिए सबसे बेस्ट तो फिर यही है, एक्सीडेंटल। नहीं, एक्सीडेंटल में क्या होता है कि उसके लिए सबसे पहले मुझे या तो किसी कॉलेज में या फिर सबसे पहले हॉस्पिटल्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मुझे पेशेंट मिल जाएंगे इजीली। तो हॉस्पिटल में सबसे पहले हॉस्पिटल ही चूज करूंगा, क्योंकि वहां पे मुझे अपने हिसाब से पेशेंट मिल जाएंगे और मैं उन पे कर सकता हूं इजीली। अब देखिए, एक हॉस्पिटल ऐसा है कि आपके चाचा जी का है हॉस्पिटल, और एक हॉस्पिटल है कि अननोन, आप कौन से हॉस्पिटल में जाओगे। सबसे पहले तो मैं कोशिश वही करूंगा, क्योंकि मुझे वहां पे इजीली परमिशन मिल जाएगी, लेकिन दूसरे हॉस्पिटल के लिए मुझे इसी को ही तो एक्सीडेंटल सैंपलिंग कहते हैं। जब हम अपने लाभ के लिए, अपने टाइम को बचाने के लिए भी जो मिल रहा है उसी में जाके कर दो डाटा, ले लो वहीं से डाटा। अब मेरे चाचा जी का हॉस्पिटल है भैया, ठीक है वहां पे तो मेरे चाचा जी है, मुझे परमिशन लेने में भी दिक्कत नहीं होगी, जाओ आराम से जाओ। और ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो चाचा जी घर के डॉक्टर हैं, वो अच्छा अच्छा लिख देंगे मेरे बारे में, मोहित जी ने बड़े अच्छे से सर्वे किया। तो ऐसे ही ये फिर पक्षपात आ गया ना इसके अंदर, वो डॉक्टर हैं, अब वो तो बुरा कहीं नहीं गया, मोहित जी यही नहीं थे, वो तो कभी कभी आके योगा कराते थे और लास्ट में बोल दिया मैंने तो रेगुलर करवाया है, तो पक्षपात हो गया ना, यही तो नॉन प्रोबेबिलिटी है। और अननोन किसी हॉस्पिटल में आप जा रहे हो, आप एम्स में जाके रिसर्च कर रहे हो, एम्स में आप किसी को नहीं जानते, वो अगले दिन आपको डांट देंगे क्यों नहीं आए, हमने देंगे आपको, यहाँ से रिफर नहीं करेंगे। रिसर्च करनी हो तो रेगुलर आके करो, पूरा टाइम लगा के जाओ, और घर के डॉक्टर हैं, घर का हॉस्पिटल है, वहां पे टाइम की कोई लिमिट नहीं है, समझ रहे हो, क्योंकि कोई डांटने वाला नहीं है। तो अब मुझे मोहित जी बताओ, ज्यादा बेस्ट रिजल्ट कहाँ पे आएगा, एम्स में आएगा या फिर आपके चाचा जी वाले हॉस्पिटल में आएगा। एम्स में आएगा, क्योंकि वहां पे मैं प्रॉपर तरीके से बिल्कुल के मुझे वहां पे पता है कि यहां पे मैं कोई भी गड़बड़ करूंगा तो मुझे उसका वो पनिशमेंट मिल सकती है या फिर मुझे वहां से वो नहीं मिल सकता, तो वहां पे मैं ज्यादा अच्छे से काम कर पाऊंगा ना। लेकिन यहां पे क्या है कि जी भैया, वेरी गुड। अब मुझे पूनम जी मुझे बताएंगे कि एम्स में और चाचा जी के हॉस्पिटल में मोहित जी को परेशानी किस हॉस्पिटल में होगी और सुविधा किस हॉस्पिटल में होगी। एम्स में परेशानी होगी क्योंकि वहाँ स्ट्रिक्ट रूल उनको फॉलो करने ही पड़ेंगे, और खुद के चाचा के हॉस्पिटल में सुविधा होंगी क्योंकि वो उनका सुनेंगे, उनका सब मान लेंगे। वेरी गुड, थोड़ा तो बहुत इधर उधर भी चल जाएगा, इसीलिए इस सैंपलिंग मेथड को कम वैल्यू दी जाती है, क्योंकि उसमें वो चाचा जी जो हैं घर के डॉक्टर हैं वो मोहित जी को रिजल्ट अच्छा से अच्छा बनाने के लिए कुछ भी रिजल्ट दे सकते हैं, घर के डॉक्टर है, लेकिन एम्स वाले जो इनको जानते ही नहीं है वो नहीं देंगे। एक और मैं एक एग्जांपल तो मैंने समझा, एक्सीडेंटली कुछ भी मिल जाना। एक और जैसे कि मोहित जी परेशान है, मोहित जी को नहीं मिल रहे हैं लोग, इनको रिसर्च करनी है किसी फैक्ट्री के ऊपर कि फैक्ट्री में जो मजदूर काम करते हैं उनके ऊपर प्राणायाम का इफेक्ट इनको जानना है। अब मोहित जी परेशान है भैया, इन्होंने बोला कि राहुल भाई मैं परेशान हूँ, मुझे पेशेंट नहीं मिल रहे। अब मैं बोला आजा मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास 20 मजदूर काम करते हैं, आजा मेरे मजदूरों का ले ले सैंपल आके, एक्सीडेंटली केस मिल जाना। या फिर मोहित जी बस में बैठे हैं और बस में पड़ोस में कोई दूसरा कैंसर वाला पेशेंट मिल गया और इनको कैंसर पे रिसर्च करनी है, ऐसी बातों में एक्सीडेंटली बातें हो गई और इनको काम भी हो गया, एक्सीडेंटली कोई भी मिल जाना,
कोई दोस्त के थ्रू कुछ मिल जाना है या कोई जान पहचान का मिल जाना, इस तरीके का जो केस है वो सारा का सारा एक्सीडेंटल सैंपलिंग के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल और ले रखा है, देखिए दो एग्जांपल मैंने दिए, हॉस्पिटल का दे दिया, बस वाला दे दिया, एक और एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन ये दे दिया कि 20 लेडीज का सैंपल लेना है जो पूजा करती हैं, मतलब कि जो भगवान के ऊपर विश्वास करती हैं और मंदिर में जाके पूजा भी करती हैं, ऐसी 20 लोगों का इनको सैंपल लेना है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि अब मोहित जी क्या करेंगे, जाएंगे एक तो कि भैया हमें तो सोमनाथ मंदिर में जाके ही लेना है, हमें तो हनुमान मंदिर में जाके उन लेडीज का लेना है सैंपलिंग। अब मोहित जी बोले कौन जाएगा मंदिर, मेरे पड़ोस में 20 लेडीज रहती हैं, मैं और वो सारी पूजा करती हैं, मैं तो उनका ही ले लूंगा, तो ये भी एक्सीडेंटल क्या आएगा, अपनी सुविधा के अनुसार सैंपल का सिलेक्शन करना। ठीक है, इसीलिए इस सैंपलिंग मेथड को कम रिलायबल माना गया है। सबसे ज्यादा जो रिलायबल माना जाता है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग जो हमने कल पढ़ा था, सबसे ज्यादा वैल्यू उसकी होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परपेसिव। परपेसिव का मतलब कि उद्देश्य पूर्ण, आपका उद्देश्य क्या है, परपेसिव सैंपलिंग मेथड। अब मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कि मेरा टॉपिक है मुझे माइग्रेन के ऊपर प्राणायाम का इफेक्ट देखना है और मेरी पॉपुलेशन अपनी क्लास है। ठीक है, तो शालिनी जी क्या कर रही हैं, शालिनी जी को माइग्रेन का टॉपिक मिला है और आके मेरे को बोला कि राहुल जी मेरी मदद करो। ठीक है जी, मैं बोला ले लो मेरी क्लास में से जो भी माइग्रेन का पेशेंट है। तो अब 34 लोग बैठे हैं क्लास में, 3-4 लोग तो मिल ही जाएंगे जिनको माइग्रेन है। तो अब यहाँ पे शालिनी जी सिर्फ पर्टिकुलर उन 3-4 लोगों से ही बात करेंगी, न कि सारे के सारे 34 लोगों से बात करेगी। यानी कि इनका पर्पज है कि इनको कौन से पेशेंट लेने हैं, हर किसी को खिचड़ी नहीं बनानी है लेकर के, पर्पज के अकॉर्डिंग लोगों का चुनाव करना, ये आता है पर्पसिव सैंपलिंग के अंदर। इसको जजमेंटल सैंपलिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर होता है अपने विवेक के अनुसार यानी कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए टोटल जो पॉपुलेशन में से ऐसे व्यक्तियों का सिलेक्शन करेगा जो प्रतिनिधि के रूप में या जो उनकी जो प्रॉब्लम के लिए जो नेसेसरी है, सिर्फ उन लोगों का चुनाव करेगा। जैसे भी शालिनी जी को नीड थी माइग्रेन के पेशेंट की, वो पर्टिकुलर 2-3 लोग जिनको माइग्रेन है इन्होंने सिर्फ उन्हीं से बात किया, बाकी के 30 लोगों को छोड़ दिया। क्लियर। जैसे मैंने एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लिया अयंगर योगा का, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि हमें रिसर्च करनी है कि मानसिक विचारों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण, मानसिकता का मतलब कि योग तो बहुत है, अयंगर योगा है, ध्यान योगा है, अष्टांग योगा है, पावर योगा है, योगा कई वेरिएशन में आजकल डिवाइड किया गया है। अब उसमें यहाँ पे पर्पज लगा दिया गया, पूजा जी रिसर्च कर रही हैं कि मुझे अयंगर योगा के, जो लोग अयंगर की योगा करते हैं उन लोगों के दृष्टिकोण को हमें पहचानना है। अब क्या होगा, अब यहाँ पे पूजा जी को लोग ढूंढने हैं। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि भावना जी अयंगर योगा करती है, कुंदन जी अष्टांग योगा करते हैं, स्वाति जी पावर योगा करती है। अब मुझे शालिनी जी बताएं यहाँ पे पूजा जी किसका चुनाव करेंगे, भावना जी का करेंगी, कुंदन जी का करेंगी या फिर स्वाति जी का करेंगी। 3 कंडीशन मैंने आपको दे दिया, जिन्होंने अयंगर योगा किया उनका चुनाव करेंगी। वेरी गुड। देखिए योग तो स्वाति जी भी कर रही हैं, कुंदन जी भी कर रहे हैं, भावना जी भी कर रहे हैं, तीनों योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है, उनकी प्रॉब्लम अयंगर योगा। अब यहाँ पे वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे कि जो अयंगर योगा ही कर रहे हैं मैं उसी का ही सैंपल लूंगी जा करके,
बाकी जो अष्टांग योगा पार योगा करे मैं उनका नहीं लूंगी, ठीक है। यानी कि इसमें जो रिसर्चर होता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा और जो चीज उसको चाहिए डायरेक्ट एग्जैक्ट उसी पे जाके वो बात करेगा, उसी का ही फिर सैंपल लिया जाएगा। वो सैंपल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे तो सिर्फ मेथड पढ़ रहे हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग है, बड़ी मजे वाली सैंपलिंग है। अच्छा सॉरी, इसका डायग्राम मुझे दिमाग से उतर गया। स्नोबॉल सैंपलिंग, तब तक कोई बताइए, मैं देखता हूँ अगर मैं अभी सर्च कर पाया तो नेट पे, जिसको जानकारी हो स्नोबॉल के बारे में जल्दी बताए मुझे। सर इसमें स्नोबॉल में ही होता है कि हम रेफरल लेते हैं किसी का, जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई फ्रेंड है तो हम उसको बोलेंगे कि जैसे आपको चाहिए कोई माइग्रेन वाला, ठीक है आपने अभी पूछा था कि माइग्रेन वाला, तो मेरे अगर कोई फ्रेंड होंगे मेरे जानने पहचानने में तो मैं उनको ही रिफर कर दूंगी आपको। तो इसमें क्या चलता है, एक चैन की तरह चलता है जिसमें हम रिफरल देते हैं स्नोबॉल में। वेरी गुड। पीछे आया था, रुको रुको, मिल गया फोटो, मिल गया, सॉरी। मैं चाहूंगा सर जैसे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होते हैं ना फेसबुक में, वैसे। हाँ म्यूचुअल म्यूचुअल फ्रेंड टाइप। ठीक है, चलिए इस डायग्राम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम मुझे मिल गया अभी आपके सामने, ठीक है। आप सभी लोगों को भी विजिबल होगा, एक मिनट रुक जाइए। पहाड़ पे कौन कौन गया है, एनीवन, जिसने गोला बनाया हो पहाड़ पे जाके? आप गए मैं हो, पहाड़ पे गए हो, ठीक मैं है। भी सचिन मोहित जी भी गए हैं पहाड़ पे, चलो अच्छी बात है। बर्फ वाले पहाड़ की कह रहा हूँ मैं। हाँ हाँ मैं गए पत्नी टॉप। ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता, मसूरी में मिल जाती है ठंड के टाइम पे। अरे क्या हो गया, मैं श्रीनगर के पहाड़ों में गई थी भाई जी। मैं अच्छा कश्मीर के जी, पहाड़ों पे। अच्छा अभी ये बता, बर्फ के गोले बनाए हैं आपने वहां पे? जी भाई जी बनाए थे। बहुत बहुत। अच्छा ये बताओ, रास्ते में अगर बर्फ के गोले ज्यादा बन जाएंगे तो वहां पे पहाड़ों पे कैसे हटाते हैं उसको? कुछ काटते हैं? नहीं, मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। नमक से फोटो बहुत छोटी आ रही है, देखिए आप समझिए। इसमें क्या होता है, नहीं फोटो नहीं आ रही, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, आप इमेजिन करते जाइए, ठीक है। मेरी आपकी फोटो मेरी दिख रही है आपको, इमेजिन कीजिए कि मैं पहाड़ पे बैठा हूँ और मेरे घर के आगे ना पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। तो वहां पे वो पहाड़ में जो रहते हैं ना बर्फ के इलाके में, वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। एक तो कि क्रेन हटाएगी, अब चलो मानते हैं कि उस जगह पे क्रेन का जाना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा मैं बर्फ का गोला बनाऊंगा, जैसे कि मैंने एक छोटा सा ही गोला बना दिया बर्फ का। और जैसे कि बॉल को ऐसे फेंका जाता है ना, बॉल घिसती हुई जाती है, रुड़कती हुई जाती है, तो वो क्या करेगा, मैंने मान लेता हूं कि ये बॉल इतने छोटा से मैंने गोला लिया बर्फ का, और जब ये घूमता हुआ जाएगा ग्राउंड पे इस प्रकार रोल करता हुआ जाएगा, तो जैसे जैसे आगे जाएगा ना नीचे की बर्फ इसके साथ चिपकती जाएगी। तो यहां से मैंने गोला फेंका, ये इतना सा था, छोटा सा था, और 10 मीटर दूर जाते जाते छोटा सा गोला इतना बड़ा बन जाएगा, ऐसा होता है। समझिए दोबारा से बता रहा हूं मैं, मैंने छोटा सा गोला लिया, उस गोले को मैंने फेंका बर्फ के गोले को, जैसे जैसे गोला आगे बढ़ता जाएगा नीचे की बर्फ उसकी चिपकती जाएगी और गोले का साइज बड़ा हो जाएगा। क्या हो रहा है, वो गोला जाते जाते नीचे की बर्फ उसमें आ रही है, तो इससे नीचे की बर्फ अपने आप हट रही है, तो मुझे अलग से बार बार कसी के साथ वो हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं ऐसे 10-15 बार ऐसे गोले फेंकूंगा, रास्ते से बर्फ अपने आप ही कम हो जाएगी। तो ये होता है स्नोबॉल्स। यहां से ठीक इसी मेथड को जब हम इसमें यूज करते हैं रिसर्च में, इसी तरीके से मतलब कि बिना किसी एनी एफर्ट के अपना काम कर लेना, उसको स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। अब मैं थोड़ा डेफिनेशन बताता हूँ और फिर मैं आपको दोबारा से फिर समझाऊंगा। रुको मैं प्रेजेंट कर देता हूँ एक बार, प्रेजेंटेशन। इतना समझ आया आप सभी को जो मैंने अभी बताया गोले वाला, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगी? हाँ स्वाति जी बोल रहे हो कुछ? नहीं गलती से हो गया, मैसेज टाइप कर रही थी। ठीक है जो, ओके देखिए
यहाँ पे मैंने मीनिंग भी लिख दिया आप लोगों के लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, कि जैसे हम बर्फ को फेंकते हैं गोला जमीन पे जाते जाते अपने साथ में और बर्फ को भी ले लेता है, तो बाद में जब फाइनल में उसका जो गोला होगा बड़े आकार का होगा। अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं हूं, ठीक है, राहुल आर्य है, यानी कि रिसर्चर है कोई भी। अब मुझे रिसर्च करनी है, मुझे ऐसे लोगों पे रिसर्च करनी है जो योगा टीचर हैं, और योगा टीचर भी जो वो हैं जो जेआरएफ क्वालिफाई है। ध्यान दीजिए, एक रिसर्चर है, मान लेते हैं कि भावना जी रिसर्च कर रही हैं, और भावना जी का टॉपिक है कि ऐसे लोगों को चुनना, ऐसे लोगों की मानसिकता का पता लगाना जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है ये भावना जी, और इन्होंने बोले राहुल तो मेरा दोस्त है, राहुल को चुन लिया। अब भावना जी तो नहीं जानती किस किन किन लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। अब भावना जी ने क्या किया, बोले कि राहुल जी आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है। मां जी कर लिया है, ठीक है, मुझे ना जेआरएफ जिन लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है मुझे उन लोगों पर रिसर्च करनी है, आप मेरी मदद करो। मां जी बताओ क्या करूं। अब भावना जी कहेंगे मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ, मैं तो आपको जानती हूँ। ठीक है, आप तो जानते होंगे ना और लोगों को जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। मैं बोला हाँ मैं दो लोगों को जानता हूँ, बी और सी को मैं जानता हूँ, इन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो मैंने भावना जी का कॉन्टेक्ट बी और सी से करवा दिया कि ये मेरे दोस्त हैं बी और सी, इन्होंने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है। भावना जी इनको कह रही है, अच्छा जी, बी और सी को जाके बोली भैया आप भी जानते होंगे ना और लोगों ने जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। बी वाला बोला हाँ मैं डी को भी जानता हूँ, इसने भी जेआरएफ क्वालिफाई किया है, और मैं ई को भी जानता हूँ, इन्होंने भी क्वालिफाई किया। ऐसे ही सी से बात किया। अब इसमें देखो भावना जी ने सिर्फ मेरे को बोला, एक पर्सन को बोला। अब एक पर्सन से भावना जी के पास सैंपल देखो कितने सारे हो गए। अब ये आगे डी ई इस तरीके से सैंपलिंग आगे और बढ़ती जाएगी। भावना जी ने सिर्फ एक आदमी को चुनाव किया, यहाँ पे एक आदमी के चुनाव करने से बाकी लोग ऑटोमेटिक उनको मिल गए। तो ये एक इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जिन्होंने मार्केटिंग की स्टडी किया होगा वहां पे सिखाया जाता है कि एक से दूसरे लोगों को कैसे कैच किया जाता है, एक से दूसरे लोगों तक। ये नेटवर्क मार्केटिंग होती है स्नोबॉल में। जैसे वहां पे बर्फ के गोले ने काम किया था, एक गोले से, छोटे से गोले से बड़ा गोला में मुझे मिल गया, ठीक उसी प्रकार एक सैंपल से बहुत सारे सैंपल्स मिल जाना, दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। समझ आया स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है? चलिए मुझे भावना जी माइक खोल के बताइए, समझ आया होगा तो अभी बता देंगे स्नोबॉल क्या होता है। हाँ जी, स्नोबॉल होता है, आपने बताया नेटवर्क, जिसमें नेटवर्क की बात की जाती है। मींस अगर हमने, अगर मुझे रिसर्च करनी है बीपी के पेशेंट पे करनी है, ठीक है, प्राणायाम से करनी है, तो मैंने एक बीपी का पेशेंट लिया किसी हॉस्पिटल में जाके, या मैंने किसी डॉक्टर से बात की, उन्होंने मुझे एक बीपी का पेशेंट बताया, तो वहां पे जब मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी तो वहां पे मुझे और ऐसी चेन बनती जाएगी, एक से दूसरा मतलब थर्ड मेरे साथ ऐड होते जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब एक की वजह से मुझे और चीजें मिलती गई। वो क्या होता है कि सेम, मतलब सेम हो सकते हैं, सेम फील्ड के हो सकते हैं इसमें, क्योंकि चेन तो उसी की बनेगी जब हम सेम चीज को ढूंढेंगे। अगर अलग ढूंढते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर हम एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा और लोगों को कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा ये स्नोबॉल वाला होता है पैटर्न। बहुत बढ़िया, यहाँ पे रिसर्चर की एफर्ट कम लगेंगे, क्योंकि खाली रिसर्चर जा जा करके उन लोगों को ढूंढता जिनको बीपी है, जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, तो वो रिसर्चर के लिए बड़ी सिरदर्दी होती है। लेकिन एक पर्सन के जरिए ऑटोमेटिक उसको सैंपल मिल गए, सारे लोग मिल गए जिन्होंने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो इससे मेहनत भी बचती है रिसर्चर की, और सैंपल का सैंपल मिल गया उसको, तो नेटवर्क बन रहा है इसके अंदर, तो इसको कहते हैं स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक है, ध्यान रखना है नेटवर्क वाला। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि नेटवर्क किसके अंदर बनता है, नेटवर्क स्नोबॉल सैंपलिंग में बनता है।
अगला हम पढ़ते हैं सेचुरेशन सैंपलिंग। ये तो वेल इनकी पॉसिबिलिटी आने की बहुत कम है एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों के लिए ले लिया। मेन यहीं तक के थे जो हमारे पेपर में आने की संभावना है स्नोबॉल तक की, लेकिन आगे हम फिर भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ताकि दिक्कत ना हो, हम ज्यादा ही पढ़ा रहे हम आप लोगों को। सैचुरेशन सैंपलिंग में क्या होता है कि इसमें देखिए, इस विधि में जनसंख्या के उन सभी सदस्यों को सैंपलिंग के रूप में चयनित कर लिया जाता है जिनकी रुचि होती है। ये रहा, ये वाला पॉइंट मेन है। इंटरेस्ट वाला, जैसे कि अभी हमारे ग्रुप में 32 लोग बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मैं रिसर्च कर रहा हूं कि जो डेली के 20 राउंड सूर्य नमस्कार करें और उनकी मानसिकता और उनका शारीरिक स्तर की रिपोर्ट मुझे बनानी है। अब मैं कहूंगा कि ऐसे लोग आ जाओ सामने, तो मैसेज करो कौन कौन मेरी मदद करेगा इस तरीके से सैंपलिंग लेने के लिए। 32 लोगों में से मैसेज करो, अगर मैं ये बोलूं कि डेली आधे घंटे में आपको कराऊंगा 20 राउंड सूर्य नमस्कार के, तो कौन कौन होगा जो मेरी इस रिसर्च में हेल्प करेगा। और ये मैं 6 महीने तक करूंगा, ध्यान रखना। इसमें आधे लोग तो नाम सुनते ही हट जाएंगे, भैया सूर्य नमस्कार तो मैं नहीं करूंगा। अभी देखो मैसेज आए हैं, करीबन 15-20 मैसेज आ गए, यानी कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट का ही आना, इंटरेस्टेड का ही आना। कुंदन जी बोल रहे हैं मैं नहीं करना, टाइम खराब होएगा मेरा तो। मोहित जी बोल रहे हैं मैं तो करूंगा, मुझे तो अच्छा लगेगा, मेरा तो जर्नल में नाम आएगा। पूनम जी कह रही है मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा भी नाम आएगा, मैं राहुल सर के साथ काम करूंगी। मतलब कि सिर्फ इंटरेस्टेड वाले लोग आएंगे जिनका इंटरेस्ट है, और बिना इंटरेस्टेड के लोग ही नहीं आएंगे। इसीलिए इसकी रिलायबिलिटी भी कम होती है। सैंपल लो तो सभी कर लो, रेंडमली लो, तो इसमें तो वही लोग आएंगे जो ऑलरेडी योगा टीचर हैं, बाकी लोग तो नहीं आएंगे, क्योंकि जो ऑलरेडी पहले से योगा कर रहे हैं वही तो डेली 20 राउंड करेंगे। जो मोटे कद्दू की तरह हैं वो तो बोलेंगे मैं तो नहीं करूंगा 20 राउंड, मैं क्यों करूं आपके रिसर्च में मदद, मैं अपना शरीर क्यों तोड़ूं फालतू में आपके लिए। और बाकी पूनम जी तो कहती है मैं तो 20 क्या, मैं तो 30 राउंड कर लूंगी डेली के, तो उससे मेरे रिजल्ट में कमी आएगी। तो रिजल्ट में मुझे सब लोगों को लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैंने इंटरेस्ट के ऊपर छोड़ दिया कि जिसका इंटरेस्ट हो वो लोग आ जाओ, मैं उसी का सैंपल ले लूंगा। तो ऐसी सैंपलिंग को सैचुरेशन सैंपलिंग कहते हैं। क्लियर? अगली सैंपलिंग इसको बोलते हैं डेंस सैंपलिंग, हिंदी में बोलते हैं घनीभूत प्रतिचयन। इसमें क्या होता है कि एक साथ ही बहुत सारे लोगों का सिलेक्ट कर लेना। क्या लिखा है यहाँ पे? आधे से ज्यादा। देखिए ये बात, इस बात को पकड़िए यहाँ पे, आधे से अधिक संख्या को सैंपल के रूप में ले लेना। फॉर एग्जाम्पल कक्षा में भी बच्चे बैठे हुए हैं, 32 लोग बैठे हुए हैं, ऊपर के मैं बोलता हूँ सीधे के सीधे, आपको स्क्रीन दिख रही है कि ऊपर के 4 जो रो है उन लोगों का मैं सैंपल लूंगा, बस ठीक है। मैंने एकदम से आधे से ज्यादा बच्चे को ऐसे चुन लिया, तो सैंपल छोटा होता है हमेशा, तभी तो पैसे बचेंगे हमारे। और यहाँ पे सैंपल आधे से भी ज्यादा हो गया तो उसमें टेंशन भी बढ़ेगी रिसर्चर की करने की, और उसमें ये भी नहीं देखा कि कौन उसमें एक्चुअल में जो मेरी प्रॉब्लम थी, क्या एक्चुअल प्रॉब्लम वाला उसमें है क्या। मुझे लेने तो थे कमर दर्द वाले पेशेंट, और उसमें घुटने के दर्द वाले भी आ गए, क्योंकि मैंने तो एकदम से रेंडम उठा लिया। पूरा ग्रुप में से आधे लोग आ जाओ भी मैं रिसर्च कर रहा हूँ। एक तो मेरा कोई पर्पज होता है कि मुझे सिर्फ घुटने के दर्द वाले लोग चाहिए, तो सिर्फ घुटने वाले आते हैं, बाकी लोग नहीं आते। और डेंस सैंपलिंग में सीधा का सीधा ही आधे लोग उठा लिए और अपना योगा कराने लग गए, और बाद में रिजल्ट दे दिया, भैया ये मेरा रिजल्ट आया। इसलिए इसकी रिलायबिलिटी भी कम होती है, इसलिए डेंस और सैचुरेशन सैंपलिंग कम मान्य होते हैं। यहाँ पे भी अलग से मैंने स्टार बना के दिया है कि सैचुरेशन और जो डेंस सैंपलिंग मेथड होते हैं वो बहुत, इसमें सैंपलिंग की जो संख्या काफी ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी मेहनत
टाइम और पैसे ज्यादा लगते हैं, और सैंपलिंग हम मेथड करते ही क्यों है, ताकि हमारी मेहनत टाइम और पैसे बचे, तभी तो हम सैंपलिंग कर रहे हैं, मेथड्स का यूज कर रहे हैं ताकि हमारे पैसे बचे। लेकिन इन दो सैंपलिंग को करने से तो भैया हमारे पैसे और ज्यादा लग जाएंगे, इसलिए ये सैंपलिंग सामान्य रूप से बहुत ही व्यवहारिक रूप से बहुत कम उपयोगी माना जाता है इन दो सैंपलिंग को। हाँ, जो छोटी संख्या में इसका सामान्यतः यूज कर लिया जाता है, लेकिन मेन रूप से हम कहेंगे कि सैचुरेशन और डेंस को हम बिहेवियर में सामान्य रिसर्च जो हम करते हैं उसमें इनका यूज नहीं किया जाता। तो यहाँ पे हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कंप्लीट हुई। आज हमने पढ़ा, हमने कोटा सैंपलिंग पढ़ी, कोटा के बाद में हमने एक्सीडेंट कोटा में यानी कि कोई रिजर्व सीट कर देना, पहले से ही सिलेक्ट कर लेना कि मुझे इसका चुनाव करना है। एक्सीडेंटली मेरे चाचा का हॉस्पिटल है, मुझे दोस्त है, जो भी मुझे एक्सीडेंटली कोई भी लोग मिल गया उस पर रिसर्च कर देना। पर्पसिव, जैसे मैंने अयंगर योगा का उदाहरण दिया था कि जो कोई पर्पज है उसी पर्पज के लोगों को चुनाव करना, वो पर्पसिव सैंपलिंग हो गया। स्नोबॉल सैंपलिंग, एक व्यक्ति के जरिए बाकी लोगों तक पहुंचना, दैट इज स्नोबॉल सैंपलिंग। सैचुरेशन सैंपलिंग, सैचुरेशन में भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट आ जाओ बाकी जाओ, तो ये सैचुरेशन सैंपलिंग है। और डेंस सैंपलिंग, डेंस सैंपलिंग में एक साथ ही आधे से ज्यादा लोगों का चुनाव कर लेना। एक और छूटता है, रुको अभी देखा मैंने, डायमेंशन सैंपलिंग भी है, हल्का सा मेंट्रो इसको भी दे देता हूँ, कभी कभी पूछा भी जा सकता है ये डायमेंशन सैंपलिंग। इसको हिंदी में आयामी प्रतिचयन या आयामी नमूनाकरण भी कहते हैं। इसमें पहले ही चुनाव कर लेते हैं कि वो पर्सन तो आएगा ही आएगा। नीचे वाले लाइन पढ़िए, सबसे मेन है ये वाली, रिसर्चर ये सुनिश्चित कर लेता है, करना चाहिए कि अध्ययन में कम से कम एक व्यक्ति चुने गए प्रत्येक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करे। जैसे कि मुझे कोई सैंपलिंग लेनी है, अपनी क्लास में सैंपलिंग लेनी है, मैं कहूंगा कि मैं मीनाक्षी जी को तो सिलेक्ट करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाओ, बाकी लोग मुझे 10 लोगों का सैंपल लेना है, भैया मैं तो मीनाक्षी को तो लूंगा ही लूंगा, बाकी 9 लोग कोई भी हो, मतलब कि एक व्यक्ति पहले से चुन लिया कि वो तो लूंगा ही लूंगा क्योंकि वो तो मेरा दोस्त है, बाकी आए चाहे ना आए वो बात अलग है। तो डायमेंशन सैंपलिंग में ये चीज होती है कि एक को पहले से अपने निर्धारित कर लिया, मैंने मना लिया वो तो है, बाकी लोग कुछ भी आओ। तो इस तरीके की सैंपलिंग को डायमेंशन सैंपलिंग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी सैंपलिंग कंप्लीट हुई है। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे रिसर्च प्रपोजल, जो बहुत जरूरी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कल वाला टॉपिक, रिसर्च प्रपोजल या साइनोप्सिस जिसको बोलते हैं, कि आप लोग अभी मास्टर करके पीएचडी के लिए इन्वॉल्वमेंट होंगे, सभी आप जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे, तो पीएचडी में जाने से पहले जो अच्छे अच्छे जो यूनिवर्सिटीज होती है वो बोलती है कि आप साइनोप्सिस लिख के दो, आप किस टॉपिक पे क्या काम करोगे, कैसे काम करोगे, पूरी रिसर्च का डिजाइन उसके अंदर रिटर्न वर्क में होता है। तो कल वाला टॉपिक आपको एग्जाम की दृष्टि से और नॉर्मल, क्योंकि आपको पीएचडी में सबको इन्वॉल्व होना है, उसके लिए कैसे साइनोप्सिस बनाई जाती है वो चीज मैं आपको, टाइम आज हो गया, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज के टॉपिक में अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी बताइए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चनिंग कर लेता हूँ और सभी लोग बने रहेंगे, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, पहले मैं थोड़ा क्वेश्चनिंग कर लेता हूँ, नहीं तो आपका मानसिकता बिगड़ जाएगी एकदम से। ठीक है, तो शॉर्ट में जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, उसके बाद में हम सेलिब्रेशन करेंगे फिर बाद में। चलिए, तो अब मुझे जल्दी बताएंगे कोटा सैंपलिंग क्या होती है, फटाफट मैसेज करें, और समीता जी मुझे माइक खोल के तुरंत बताएं कोटा सैंपलिंग के बारे में। सर मैंने तो बहुत देर में ज्वाइन किया था, लेकिन मैं बुक पता, जितना पता है उतना बताने की कोशिश करती हूँ। कोटा मतलब जैसे कि हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है, उसमें अगर हमारा एडमिशन नहीं हो रहा है तो हम एडवांस पैसे देके जो एडमिशन करवाते हैं वो कोटा में आएगा। थोड़ा बहुत सही है,
हमें रिसर्च के पर्पज से देखना है, तो रिसर्च वाला एग्जांपल दो आप। पुष्पा जी दीजिए रिसर्च का एग्जांपल कोई। कौन से रिसर्च का सर? कोटा सैंपलिंग का बताइए। इसमें पहले से ही रिजर्व हमारी सीट होती है, जैसे कि हमने इतने ही लोगों को लेना है, जैसे 30% फीमेल्स को ही लेना है, उसके लिए हम पहले ही रिजर्व कर देंगे कि हमें इतने ही लोगों को लेना है, तो हम उतने ही लोगों को पहले लेंगे। वेरी गुड, पहले ही फिक्स कर लिया भैया, इतने बच्चे, इतने जेंट्स, इतने महिला, इतने मैरिड, इतने अनमैरिड में इतने होंगे मेरे रिसर्च में, और फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको मैं जनरलाइज करूंगा। तो ये जो मेथड है ये कोटा सैंपलिंग के अंतर्गत आएगा। वेरी गुड, अगला मुझे बताएंगे एक्सीडेंटल सैंपलिंग। पूनम जी मुझे तुरंत बताएं माइक खोल के, एक्सीडेंटल सैंपलिंग क्या होता है? सर एक्सीडेंटल यानी कोई एक्सीडेंट से मिल जाना, मुझे कुछ चाहिए था, मैं किधर गई और वही वैसा ही इंसान मुझे मिल गया। सपोज कोई बीमारी पे मैं कर रही हूँ तो वही बीमारी वाला इंसान मुझे मिल गया, या फिर अपनी सुविधा के अनुसार मैं कुछ सिलेक्ट करूंगी कि मुझे तो यही जाना है, मैं यहाँ से ही सैंपल लूंगी, इस हिसाब से जहां मुझे सुविधा हो। बहुत बढ़िया, पर्पसेस सैंपलिंग। पूजा मिश्रा जी तुरंत माइक खोल के बताएं पर्पसेस सैंपलिंग क्या होती है। पूजा जी नहीं है राहुल सर। तो दो दो एमडीवाई पे और कौन है, दूसरे एमडीवाई कौन है नीरज जी के अलावा? कविता जी मुझे बताएं। सर मैं बताऊं इसका? कोई बोल रहा है सर? कविता जी बोलिए तुरंत बोलिए। हाँ जी। यस 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 सर, पर्पसिव या तो जजमेंटल सैंपलिंग, इट इज डिसाइडेड बाय आवर बुद्धि, मतलब बुद्धि या तो विवेक का प्रयोग करके सिलेक्ट किया जाता है, और स्पेशल पर्पस रहता है सर रिसर्चर का कि जैसे कि माइग्रेन पे करना है तो मैं वैसे ही पेशेंट सिलेक्ट करूंगी, दैट इज पर्पसिव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे स्नोबॉल सैंपलिंग। मीनाक्षी जी तुरंत बताओ स्नोबॉल सैंपलिंग क्या होता है। सर इसमें हम रेफरल का यूज करते हैं, चैनल नेटवर्क मार्केटिंग, तो जिसमें हम नेटवर्क्स बनाते हैं। एक रिसर्चर हुआ, अपने अकॉर्डिंग अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कि मुझे ये चाहिए, तो वो अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया, जैसे फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं ना वैसे ही। वेरी गुड, सैचुरेशन सैंपलिंग नीरज जी मुझे बताएं तुरंत। इसमें इंटरेस्टेड पीपल होते हैं, जिसको इंटरेस्ट हो वही आएगा, पहले बोल दिया इंटरेस्ट होगा वही आएगा। डेन सैंपलिंग मुझे बताएं। मोना जी मुझे तुरंत बताएं डेन सैंपलिंग क्या होता है। डेन सैंपलिंग मतलब भैया ये होता है कि आधे लोगों का चुनाव कर लेना, जैसे 100 संख्या है उसमें से हमने पहले ही आधे 80 लोगों को ले लिया, वो डेन सैंपलिंग हो जाएगी। वेरी गुड, शालिनी जी मुझे तुरंत बताएं डायमेंशन सैंपलिंग क्या होता है। डायमेंशन सैंपलिंग मतलब जिसमें पहले से ही हमने फिक्स कर लिया है कि हमें ये लेना, इसको लेना ही लेना है, मतलब आपके माइंड में पहले से फिक्स है कि इस इंसान को मुझे लेना ही लेना है, तो वो डायमेंशन पहले से हमें पता होता है किसे लेना है, चुनाव कर यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। और यहाँ पे मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने सैंपलिंग को इतने अच्छे से पढ़ा।